आज हम अपने किचन में बना रहे हैं मायोनीज पोटैटो बॉल्स। इसके लिए हमने लिए हैं 2 किलो आलू, इनको उबाल के हमने मैश कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 अदद चौप प्याज, इसमें डालेंगे हम हस्ब जायका नमक, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, सना मोड़ा 1 टीस्पून और काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, और इसमें हम डालेंगे क्रश की हुई हरी मिर्चें तकरीबन ये 10 अदद हैं। हम डालेंगे 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर और हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इसमें हरा धनिया डालेंगे हम, आधी कलीर है, इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। आलू का मिक्सचर तैयार हो गया है। ये मैंने 1 कप मैदा लेके और उसमें पानी डाल के ये सिलेरी बनाई है, इसमें से 1 नमक डाला है, ठीक है। ये होममेड ब्रेड क्राउन है, आप रेडीमेड भी ले सकती हैं। और ये है मैदा, बॉल्स को इसमें कोट करना चाहिए, ठीक है। एंड इसमें से मिक्सचर उठाना है, जितनी बड़ी हमने बनाने है उतना लेना है। और इसके बीच में जाहिर सी बात है मायोनीज बॉल है, तो इसमें मायोनीज फिल करेंगे। अब हम इसमें मायोनीज करेंगे, हमने मायोनीज घर दी, अब हम इसको बॉइल करेंगे आराम से ताकि ये बाहर ना। अब हम इसको सूखे मैदे में डस पाएंगे मेरा, और फिर इसको सैलरी में करेंगे, लेकिन पहले मैं सारे बना लेती हूँ। इसी तरह फिर सैलरी में करेंगे हम, ऐसे ऐसे ही है। मैं आपको छोटी बॉल्स बनानी है तो आप छोटी बना लें, मैं थोड़ी बड़ी बना रही हूँ, और फिर से मैदे में रखूंगी। इसी तरह मैं सब बना लेती हूँ। मैंने बॉल्स बनाई हैं, उनको मैदे में डस्ट भी कर दिया है। अब हम इनको इस तरह से ये इसमें स्लेरी में करेंगे और फिर ये ब्रेड क्रम में कर लेंगे इस तरह से, देख इस तरह से। फिर से मैं सब इसी तरह कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको कि इसको फ्राई कैसे करना है। देखें ये बॉल्स मैंने बना लिए हैं और इन्हें फ्राई करते हैं। फिर सर हमने ऑयल में पक लिया है, गोल्डन ब्राउन होने पे हम इनको निकालेंगे। तो बस हम निकालेंगे, ये देखें ये हमारी मायोनीज पोटैटो बॉल्स बिल्कुल तैयार हैं, क्रिस्पी सी है।